हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में एसएससी जेई के यहाँ पेमेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग का फिलहाल यहाँ पर एसएससी जेई का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट करा के सर पेमेंट कर दिए, लेकिन पेमेंट का स्टेटस को चेक करें तो आप लोग का फिर से पेमेंट बहुत लोग का आ रहा है, बहुत लोग का पेमेंट भी नहीं आ रहा। एंड आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, जैसे आप लोग देख रहे हो कॉर्नर में लिखा गया है योर पेमेंट इज इन पेंडिंग स्टेट विद बैंक। ये देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ परेशान है कि आखिरकार यहाँ जो है पेमेंट फंस गया, तो आखिरकार यहाँ सॉल्व कब तक होगा। ठीक है, तो यहाँ डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग का प्रॉब्लम जो कब तक सॉल्व हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट देखिएगा, ठीक है, कहीं पर स्किप मत कीजिए क्योंकि मैं कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट बताने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट देखकर स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को भी ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी यहाँ पर जो है एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो भी यहाँ पर देख लेंगे आप लोग को पेमेंट कैसे करना है, ताकि आप लोग का पेमेंट फंसे नहीं एंड जिनका पेमेंट फंसा हुआ वो कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर देखोगे कि जो भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर पेमेंट फंसा हुआ, आप लोग फिलहाल यहाँ पर जो है ज़्यादा यहाँ परेशान मत हो। यहाँ पर सिर्फ क्या करो कि केवल जो 48 घंटे वेट करो, उसके बाद अपना एप्लीकेशन स्टेटस को टाइम टू टाइम चेक करते रहना। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस को टाइम टू टाइम चेक करते रहना, 48 घंटे के अंदर जो आप लोग का पेमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, 48 घंटे के अंदर जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो सॉल्व कर दिया जाएगा एंड 48 घंटे के बाद अगर सॉल्व नहीं होता तो उसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आखिरकार जो 48 घंटे के बाद अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग को क्या करना है। तो यहाँ पर फिलहाल देखोगे तो यहाँ पर जो आप लोग का दो यहाँ पर मेक पेमेंट भी आता है, यहाँ पर योर पेमेंट इज इन पेंडिंग स्टेट विद बैंक, तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेमेंट कर दिया फिर से पेमेंट कर दो, कुछ देर वेट करना है, कम से कम वेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर पेमेंट करने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ कि पेमेंट कैसे करना है आप लोगों। यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर जो VPA से पेमेंट करते हो, जिसमें कि आप लोग को UPI ID मांगा जाता है वहाँ पर देते हो, फिर क्या होता है कि जो यहाँ बैंक लेके फिर जो आप दूसरे वाले एप्लीकेशन से पेमेंट करते हो, तब तक क्या होता है कि आप लोग का वहाँ पेमेंट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश हो जाने के साइट जो है फिर वहाँ पर जो आप लोग का जो पेमेंट फंस जाता है। वैसे में ऐसा नहीं कि फंसने के बाद सॉल्व नहीं होता है, वो भी पेमेंट आप लोग का सॉल्व होगा लेकिन लेट से सॉल्व होगा। ठीक है, तो वही आप लोग के साथ भी हुआ होगा, नहीं तो फिर आप लोग का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो है पेमेंट आप लोग का मे भी कभी कभी हो सके बैंक के जो साथ आप लोग का दिक्कत होता है तो वहाँ पर आप लोग को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यानी कि बैंक का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप लोग का वहाँ पेमेंट फंस जाता है कभी कभी, लेकिन अगर फंसता है तो फिर आप लोग को सॉल्व भी हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, 48 घंटे आप लोग को वेट करना है, 48 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि जो भी फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पर पेमेंट जब करते हो तो आप लोग यहाँ पर QR कोड ही उपयोग करना। ठीक है, यहाँ पर QR कोड से ही पेमेंट करना ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। QR कोड से करोगे तो वहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स का वहाँ पर जो पेमेंट नहीं फंसता है, वहाँ पर आप लोग का पेमेंट भी सही तरीके से हो भी जाता है एंड उसके बाद कोई प्रॉब्लम आप लोग का नहीं होता है। बहुत सारे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका पेमेंट फंस जाता है। ठीक है, यानी कि 90% में देखोगे तो 90% का वहाँ पर जो सक्सेस हो जाता है, लेकिन 10% कैंडिडेट का वहाँ भी फंस जाता है। तो वहाँ फंसने के बाद आप लोग टेंशन नहीं लेना, आप लोग जो है 48 घंटे वेट करना, सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि एप्लीकेशन स्टेटस को आप लोग को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने आप लोग को दिखाया, फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो आप लोग का जो इम्पोर्ट यहाँ पर डेट्स जो आप लोग देख रहे हो, ये डेट्स आप लोग यहाँ पर जो है इस सिलेक्शन पोस्ट का, यहाँ पर इसको आप लोग इग्नोर करना। ठीक है, आप लोग का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वह 28 तारीख से स्टार्ट है एंड 18 तारीख तक मे बी आप लोग का फॉर्म फिलअप होने वाला है, जो कि अप्रैल मंथ में लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ रहता है आप लोग का। यहाँ देखोगे तो पेमेंट डिटेल में यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ़ योर फीस डिडक्टेड प्लीज़ वेट फॉर 48 आवर्स एंड चेक अगेन। यहाँ पर लिखा गया कि फिलहाल आप लोग यहाँ पर 48 घंटे वेट करना है, फिर आप लोग को चेक अगेन करना है। ठीक है, यहाँ पर वैसे आप लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहना एंड अगर सक्सेस होता है तो देखो ये सब क्या लिखा हुआ रहेगा। फिलहाल यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के यहाँ पर नॉट एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ रहता है, इसको आप लोग यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर देख लेना। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पर देखो तो पेमेंट स्टेटस आप लोग का डन बताएगा, ट्रांजेक्शन आप लोग का नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा, फिर रेफरेंस नंबर भी आप लोग का दे दिया जाएगा। तो ये आप लोग को फिलहाल अगर इस तरह शो हो रहा है तो आप लोग का पेमेंट वहाँ सक्सेसफुल हो गया है। एंड ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर देखोगे तो आप लोग का ट्रांजेक्शन जो डेट दिया गया वो 2000 यहाँ पर देख सकते हो कि जो आप लोग का डेट रहेगा, यानी कि जो डेट में आपने पेमेंट किया उस डेट यहाँ पर आप लोग का मेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग का कुछ यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने आप लोग को दिखा दिया ताकि आप लोग परेशान नहीं हो। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ परेशान हो जाते हैं कि सर क्या करें क्या करें, अरे थोड़ा वेट कर लो, 48 घंटे सॉल्व हो जाएगा, टाइम टू टाइम चेक करते रहना। एंड यहाँ पर जो है एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप करो ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इस बार आप लोग का टाइम भी बहुत कम दिया गया एसएससी जेई में। यहाँ पर जो अगर लास्ट डेट का वेट करोगे तो सर्वर डाउन रहेगा, पेमेंट इसी तरह फंसेगा, फिर अगर पेमेंट फंसेगा उस टाइम फिर आप लोग को वहाँ पर कम चांसेस रहेगा कि आप लोग को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए पेमेंट जो जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर जो फॉर्म को फिलअप करो एंड सही से पेमेंट करो, अगर फंसता भी है तो आप लोग का जो सॉल्व हो जाएगा। जिनका 48 घंटे ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो 48 घंटे से ज़्यादा हो गया तो आप लोग परेशान मत हो। यहाँ पर देख सकते हो कि फिलहाल जो है
एसएससी की तरफ से इस बार क्या किया गया कि आप लोग का फिलहाल यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर देखोगे तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का जो है यहाँ पर जो टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया कि अगर जो फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी डिफिकल्टी आप लोग को फेस करना पड़ता है, फॉर्म अगर सही तरीका से नहीं भर पा रहे हो या फिर कुछ दिक्कत है या फिर पेमेंट प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में डिफिकल्टी, तो कॉल कर सकते हो यहाँ पर आप लोग का जो है यहाँ पर जो है टोल फ्री यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आप लोग का जारी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट भी आप लोग देख लेना, यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख सकते हो कि 28 से 18 तारीख के बीच में आप लोग का यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप होने वाला है, एंड उसके बाद जो है करेक्शन का डेट आप लोग का फिलहाल यहाँ पर जो है और 22 से 23 रखा गया, फिर यहाँ पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट यहाँ पर जो 19/4/2024 रखा गया, ठीक है। ये सब आप लोग का फिलहाल यहाँ पर जो है मैंने दिखा दिया जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो डेट आप लोग का है, एंड जिनको दिक्कत है हेल्पलाइन नंबर आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। 48 घंटे के अंदर अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लिखा सीधा देखो लिखा भी गया है कि टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया, अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग जो है एसएससी को मेल भी कर सकते हो, जो कि आप लोग का वहाँ पर मेल आप लोग का हर एक रीजन का मेल भी दिया गया जो कि ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया इसके पहले, आप लोग जेई पेमेंट प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया तो क्लियरली आप लोग देखना, ठीक है। इसके पहले जो आप लोग का प्रीवियस जो जेई का फॉर्म आया था उसमें मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग जो मेल कैसे कर सकते हो एसएससी को, ठीक है। वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो 2023 का, हाँ 2023 का मे भी वो वीडियो है, उसमें आप लोग क्लियरली मैंने बता दिया कि आप लोग को मेल कैसे करना है एंड रीजन जो भी रीजन अगर ईस्टर्न से किए सेंट्रल से किए तो उसका आप लोग को हेल्पलाइन नंबर कैसे मिलेगा वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये फिलहाल आप लोग को मैंने बता दिया जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट यहाँ पर आने वाला है, एंड यहाँ परेशान मत होना, जो भी यहाँ पर जिनको फॉर्म फिलअप करना है आप लोग आराम से फॉर्म फिलअप करो, एंड अभी टाइम है, अगर अभी नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है क्योंकि आप लोग का ओटीआर भी हो रहा है इस बार, ओटीआर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का हुआ है जो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हो उसके लिए पहले ओटीआर करना पड़ेगा, ओटीआर करोगे उसके बाद आप लोग का यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप होगा, यानी कि लंबा प्रोसेस होने वाला, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि लास्ट डेट का यहाँ पर फिलहाल वेट मत करना, लास्ट डेट का वेट करोगे तो फिर दिक्कत होगा, पेमेंट फंसेगा तो वहाँ पर कम चांसेस रहेगा कि आप लोग का पेमेंट वहाँ पर जो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। पेमेंट वहाँ प्रॉब्लम को लास्ट कम चांस रहता है कि वहाँ पर आप लोग का जो सॉल्व कर दिया जाए, अगर अभी करोगे तो फिर आप लोग 48 घंटा या फिर उससे 2 या 3 दिन में जो है आप लोग का सॉल्व कर दिया जाएगा, 3 से 4 दिन भी होता है सॉल्व हो जाएगा। आप लोग टाइम टू टाइम सिर्फ यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करते रहना है, मैंने बता दिया क्या क्या आप लोग को यहाँ पर करना है, VPS से यहाँ कम करना है, आप लोग QR कोड से ही पेमेंट ज़्यादा करना है, ठीक है। QR कोड से कम यहाँ पर जो है स्टूडेंट का पेमेंट फंसता है यहाँ पर जो है, एंड ये जो आप लोग का योर पेमेंट इज इन पेंडिंग स्टेट विद बैंक ये शो हो रहा है, इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, ये आप लोग का सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दिया, यहाँ पर देख तो लिखा भी गया 48 घंटे अगर जो है आप लोग योर फी इज डिडक्टेड प्लीज़ वेट 48 आवर्स एंड चेक अगेन, क्लियरली लिखा गया कि फी अगर डिडक्ट हो गया तो 48 घंटे वेट कीजिए सॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी अपडेट फिलहाल आप लोग यहाँ पर एसएससी जेई के रिगार्डिंग कभी भी यहाँ पर एसएससी जारी करती है आप लोग को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दिए ताकि जो भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं जो भी सही तरीका से पेमेंट करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का, थैंक यू।